वाह वाह वाह। शुक्रिया। तुम्हारी नहीं, इस घर की तारीफ कर रहा था। What a wonderful location. वैसे मुझे पीके कहते हैं, मिस्टर पीके। कितना पीके? और मैं मिसेस पीके। आप भी पीके? मैं भी पीके। आ रहा हूँ यहाँ पे सीधा। पीके? क्या पीके? मैंने तो खांसी का शरबत पी के आ रहा हूँ। Nice to meet you. मैं जेम्स। जेम्स? जिसे टाइटैनिक बनाई थी? नहीं, जिसे टाइटैनिक देखी थी। अबे पश्तो फिल्मों का एबनॉर्मल सलमान खान कहाँ से उठा के लाए हो तुम लोग? अबे सूरमा भोपाली नाम है मेरा। अबे छिछोरे, मेरे अंदर का छिछोरा ना बहुत बड़ा है, और उसे मैंने बाहर निकाल लिया ना, तो ये जो तेरा ढिंका जी का है ना, इसको अपने पैरों के नीचे डिंग 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 कर दूंगा मैं। सूरमा भाई आराम से, डायरेक्टर साहब है। अबे डॉक्टर हूँ ये, डायरेक्टर। अबे भाई को इजी ले रहा है। इसे समझाओ, नहीं तो मैं इसे गोली मार के ना डायरेक्टर से डाकू बन जाऊंगा। डायरेक्टर साहब, मुझे आपसे दो बातें करनी है। सादी या खरी खरी? सादी। पहली तो ये कि मैं आपकी फिल्म में हीरोइन आना चाहती हूँ। पहली तो हो नहीं सकती, दूसरी करके देख लो। जब आपकी पंजाबी फिल्मों में साइमा घोड़े पर बैठती है, मुझे बहुत दुख होता है। साइमा का? नहीं, घोड़े का। वो बेचारा बेजुबान जानवर इतना बोझ उठाने के काबिल नहीं है। आप इसलिए यहाँ तो अपनी हीरोइन चेंज करें, या फिर अपने कन्वेंस चेंज करें, वरना मेरी एनजीओ एक्शन लेगी। अरे नहीं नहीं, आप अपनी एनजीओ को कहिए कि कोई एक्शन ना ले। एक्शन लेना तो हमारा काम है, डायरेक्टर तो हम हुए ना। इससे पहले मैं आप सबको अपना तारुफ करवा दूं, आई एम वन एंड ओनली नवीद जौगर। अबे तो दूध वाले डायरेक्टर में लेकिन मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहता। 30 साल में हिट पे हिट दिए मैंने। अरे बाबा, तो आपकी मशहूर फिल्में कौन सी हैं? मशहूर फिल्में? अबे मेरी तो हर फिल्म मशहूर रही है। गुज्जर द बे, गुज्जर ऑन सीएनजी, गुज्जर रिलोडेड, गुज्जर का रिएक्शन। यानी कि आप गुज्जरों के ब्रांड एम्बेसडर हैं, कह सकते हैं। लेकिन अब मैं बोर हो गया, तंग आ गया हूं इन सब चीजों से। अब मैं कुछ डिफरेंट करना चाहता। अब मैं अंग्रेजों के फेस्टिवल के लिए काम करना चाहता, ताकि अंग्रेजों का खाना खराब कर सके। इसीलिए मैं लोकल मार्केट के लिए काम करना ही नहीं चाहता, मैं फॉरेन फेस्टिवल्स के लिए फिल्म बनाना चाहता हूँ, फॉरेन फेस्टिवल्स के लिए। मिस्टर पीके, ये फॉरेन फेस्टिवल क्या होता है? व्हाट इज? अरे बेगम, ये वो फेस्टिवल होता है जो फॉरेन हो जाता है। ओह अच्छा, फॉरेन फेस्टिवल। इसीलिए हम लोग फॉरेन फिल्म बनाएंगे, फॉरेन। अरे बाबा, आप फॉरेन बनाए या देर से बनाए, शॉर्ट बनाए या लॉन्ग बनाए, अपनी हीरोइन से तो मिल लें। देखो देखो, मुझे ये तकसीमें हिंद से पहले की हीरोइनें मत दो। मुझे तो कोई आज की है, हॉट, स्टाइलिश, कूल, मेरी ऑस्कर विनिंग फिल्म की लीडिंग लेडी इंट्रोड्यूस कराओ, जिसे देखते ही मैं कहूं कि हाँ ये ही है वो। लेकिन ये तालियां क्यों? हमें हमारी ऑस्कर विनिंग फिल्म के लिए लीडिंग हीरोइन मिल गई है, हियर शी इज। ओके, अबे समझ के हीरो भी मिल गया है तुझे। अबे और नीम गंजे, पागल है तू? हीरो की शक्ल देखी है कभी? जा और जाके शीशे में अपने आप को ऊपर से नीचे देख, एक्स्ट्रा ना ले तुझे कोई। अबे नीम गंजा मतलब? सुरमा भाई, उनके कहने का मतलब है कि आप गंजे हो चुके हैं। लेकिन सर आप मुझसे मिले। मेरी अम्मी कहती थी कि मेरे बाल अमिताभ से मिलते हैं, और मेरी बेगम कहती हैं कि शाहरुख के बाल मुझसे मिलते हैं। डायरेक्टर साहब, लुक सी, हियर मीट्स विद शाहरुख। उनकी संगोलो अमाया वणी
हमने हेयर ट्रांसप्लांट के लिए कोई टीवी कमर्शियल तो बनाना नहीं है। फिल्म के अंदर पूरी बॉडी शो की जाती है, बड़े पर्दे की फिल्म है यार। मैं समझ गया, आप गलबन एक मुकम्मल पैकेज की तलाश में हैं, जो आपके सामने। कितनी लंबी नाक। ये पैकेज अगर मुझे मुफ्त में भी मिले ना तो मैं इसे इजी लोड ना कराऊं। अबे तेरा नाक फोकस करते करते मेरी पूरी कास्ट ही फोकस हो जाएगी। सब छोड़े, ये बताएं कि फिल्म की कहानी क्या है। गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। मुझे तुम सब अहमकों में कोई एक अच्छा वाला मिला है। एक्चुअली वो क्या है ना कि जो हमारी फिल्म की कहानी है वो अभी मैंने बनानी है। आप लगे ना पाकिस्तानी डायरेक्टर। आप मुझे अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, ओके? आप लोग मुझे सिर्फ 20 मिनट दीजिए, 20 मिनट्स। और 20 मिनट में मैं ऐसा स्क्रीन प्ले, ऐसा स्क्रिप्ट तैयार करूंगा कि वो फिल्म ऑस्कर में कामयाबी के झंडे गाड़ेगी और पूरे पाकिस्तान को, आप सबको नवीन डॉगर पर फखर होगा। डोंट गो एनीवेयर, आई विल राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। स्पेशली यू स्वीटहार्ट। जय हो, जय हो ऑस्कर में ऑस्कर। कहीं नहीं जा सकते, मैंने बाथरूम जाना था। क्या हो गया सूरमा भाई? अबे छोड़ दे बे शेरी। अबे इजी ले ली, अबे इनको चलता फिरता हीरो नजर नहीं आ रहा क्या? जाने देना सूरमा भाई। अबे क्या जाने दे रे, क्या डायरेक्टर समझते अपने आप को? अबे भाई सूरमा भाई नाम है मेरा, एक आवाज देना। 10 फिल्म बनाने वाले कदमों में पड़े होंगे अपने अपने पैसे वापस लेने के लिए। अरे हीरो रखने के लिए बे। अरे तो अपने ईमान से बता, इतना बड़ा बाइकर है बे किसी के इस घर में? अबे वो हीरो का जिसकी बॉडी ना, अबे सूरमा भाई के भूख से चले आते हैं ना तो कमिंग अट्रैक्शन मालूम होते हैं। पूरा मोहल्ला कहता था कि सूरमा भाई आप राइट से शान, लेफ्ट से सलमान, नीचे से आमिर खान और ऊपर से तो गंजे लगते हैं। अबे क्यों जाने से पहले सूरमा भाई से मर्डर 2 शूट कराएगा बे? तुम चुप कर जाओ जेम्स। सूरमा भाई आप नाराज ना, असल में ना आप वो डायरेक्टर की बात समझे नहीं। आजकल हीरो का नहीं कैरेक्टर रोल का जमाना है। और आप तो वैसे भी शक्ल से कैरेक्टर लेस आदमी लगते हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि बोल में सबसे ज्यादा कौन नोटिस हुआ? शक्कत चीमा कैरेक्टर रोल। खुदा के लिए रशीद नाल कैरेक्टर रोल। और रेडी में अबे सलमान खान गए लूज कैरेक्टर। इसीलिए अब हीरो का नहीं कैरेक्टर रोल का सीन है भाई। और हीरो कोई भी करे नोटिस तो आप नहीं होना है। शेरी तेरी बात में दम है बे। एग्जैक्टली, तो अब आप टेंशन भी नहीं छोड़ो कि हीरो तो कोई भी कर सकता है, कोई भी गहरा गहरा नत्थु गहरा। हां मिस्टर लोवा 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 ना मिस्टर लोवा 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 गर्ल मिस्टर लोवा लोवा। एक तो ये जूबी हर जगह नंबर ले जाती है। हीरोइन का रोल भी ले गई, किसी तरह से इसको कट करवाना पड़ेगा। लेकिन जूबी को कट करवाने से तो उसके 2 हिस्से हो जाएंगे, लाइक 2 पीस। फिल्म से कट करवाने की बात कर रही हूँ मिसेस पीके। अच्छा, मुझ जैसी टैलेंटेड लड़की को छोड़ के उस जूबी को कास्ट कर लिया? ओ खूबसूरत जो है। हीरोइन बनने के लिए खूबसूरती की नहीं एक्टिंग की जरूरत होती है, जैसे शबाना आसमी, तब्बू और नंदिता दास। बस एक बार समझ में आ जाए कि जूबी को फिल्म से कैसे कट करवाना चाहिए। एक दुआ है किसी को फिल्म से कट करवाने की दुआ। फिल्म से कट करवाने की दुआ, वो क्या है? हाथ उठाओ। या अल्लाह या अल्लाह, जूबी फिल्म से कट हो जाए। जूबी फिल्म से कट हो जाए। आमीन। क्या आमीन? आमीन।